अगर आप रूरल फेज में जाओ वो जितनी जुगाड़ होते उतने हम भी नहीं होते जब लाइट जलती है ना तो वो चिल्लाते ना जो लाइट लग गई लाइट लग गई कितने सालों बाद लाइट आई है उनके घर और हमने ऐसे विलेजेस किए जहाँ पेवेंटी ईयर्स में लाइट नहीं थी गवर्नमेंट ने बहुत गाँव तक बिजली पहुंचाई बट लास्ट माइल तक नहीं लेके जा पाई एक गवर्नमेंट इतना सब नहीं कर सकती आज के इस हिंदी पॉडकास्ट के एपिसोड में वी हैव सचिन कौन है ये सोलर मैन ऑफ इंडिया इनकी कहानी एक ऑर्डिनरी भारतीय से पूरी अलग है हम सब चाहते हैं हम सब सोचते हैं कि यार कुछ देश के लिए किया जाए कुछ देश के लोगों के लिए किया जाए कुछ ऐसे समाज के लिए किया जाए जिसको बहुत ज्यादा चीजों में जरूरत है हम सब चाहते हैं एनजीओ बनाना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना एंड दिस गाय डूइंग आई टेल यू इनके पास इंडिया में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और दो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है द सोलर मैन ऑफ इंडिया आज एडॉन टॉक्स में आके अपनी पूरी जर्नी बताते हैं कैसे उन्होंने स्टार्ट किया क्या क्या चैलेंजेस हैं 500 से ज्यादा गांव में बिजली कैसे पहुंचाई उन्होंने बहुत चैलेंजेस होते हैं बहुत चैलेंज आते हैं और ये चैलेंज एक इनिशिएटिव सोलर मैन ऑफ इंडिया ने लिया और घर घर बिजली पहुंचाई 75,000 से ज्यादा इन्होंने लाइफ इंपैक्ट करी है आपको इसे के एपिसोड में क्या मिलने वाला है एक ऐसी कहानी कहानी जो जो आपका दिल छू जाएगी एक ऐसी आपके अंदर मोटिवेशन की आग डाल जाएगी क्योंकि हम सबका बहुत मन करता है यार सोशल वर्क करेंगे बट उसका पीछे कैसे किया जाता है और इस चीज को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जा सकता है सो so, इस ऑन गोइंग एपिसोड में मैं बहुत इमोशनल हो गया था आई वॉन्टेड कि इनके साथ जुड़ के कैसे काम किया जा सके क्योंकि इन्होंने जब अपनी बैक एंड स्टोरीज बताई ना एक तो होता है ऑपरेशन जब ये गांव में विजिट करते हैं बहुत सारे गांव वाले इनको कैसे वेलकम करते हैं कैसे इनकी टीम जाती है गांव में काम करती है सारे एग्जीक्यूशन पे हमने बात करी इस एपिसोड में बारीकियों में हमने बात करी है डिटेलिंग में हमने बात करी है कि कैसे इनकी कंपनी एग्जीक्यूट करती है सारी चीजें जेनुनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड है जेनुइनली बहुत ज्यादा इमोशनल बहुत ज्यादा मजेदार फन क्योंकि आपको सिर्फ सिर्फ जानने को नहीं मिल रहा आपको स्टोरीज जानने को मिल रही है कि कैसे गांव में जाया जाता है इनकी टीम मेंबर्स को कैसे बिजली के झटके लगते हैं बहुत सारी चीजें दिस दिस एपिसोड एपिसोड इज रियली इंटरेस्टिंग आप देखो आपको बहुत मजा आएगा एंड एंजॉय एंजॉय सो हाय सचिन सिगवंत सर वेलकम टू ए डॉन्ट टॉक्स एंड एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपना और अपना इंट्रोडक्शन ऑडियंस का और मेक को दे दो सो so, दैट बहुत सारे लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं बट स्टिल हमेशा लोग चाहते हैं कि वो उस इंसान के मुंह से सुने कि वो अपने आप को कैसे बताना चाहते हैं ओके थैंक यू वरुण फॉर इनवाइटिंग मी हियर मेरी तारीफ अगर खुद के ही बारे में बताना है तो थोड़ा मुश्किल काम दिया तुमने स्टार्टिंग में तो ऐसे कहो एक एक सामान्य परिवार से आया हुआ लड़का जिसने सोचा कि कुछ लोगों के लिए करे और फिर कुछ करने की ठानी और गॉड ग्रेस बोलो या मदर की ब्लेसिंग्स कहो आज उस लेवल मुकाम पे पहुँचा है जहाँ पे लोग उसके तरफ एक इंस्पिरेशन जैसा देखते हैं दो मुझे नहीं लगता अभी तक मैंने ऐसा कुछ अचीव किया बट एक टाइटल अचीव किया है लाइफ में और वो टाइटल की वजह से अगर मुझे बहुत सारे अंडर प्रवेश लोगों के लिए काम करने का मौका मिल रहा है मैं तो यही कहूँगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है मैं और लोगों के पास जाऊँ और अगर वो टाइटल उसमें मेरी मदद करता है तो वो मीडियम समझ के द सोलार मैन ऑफ इंडिया मैं वो मीडियम यूज़ कर रहा हूँ जिससे मैं बहुत लोगों की मदद करूँ हाँ एम बी ए इन सोशल एंटरप्रनरशिप हूँ अभी मुझे हॉनररी डॉक्टरेट भी मिला है इन रूरल डेवलपमेंट थ्रू सोलर एनर्जी राइट और यस uh, yes, मैं एक uh, मेरे माँ का लाडला बेटा हूँ <laughs> uh, पूरे भारत के लिए पूरे विश्व के से पूरे विश्व में हम सोलार एनर्जी से क्या पॉजिटिव चेंज ला सकते उसके ऊपर काम करने वाला मैं एक जनसेवक जैसे मैं अप, अपने आप को रखूंगा मैं हूँ परफेक्ट आपने बहुत आसानी से प्यार से धीरे से बोल दिया बट मैं फिर से बोलना चाहूँगा द सोलर मैन ऑफ इंडिया सो बिकॉज इसमें ही पूरी एक कहानी है इस टाइटल के पीछे जो आपको बहुत सारी जगह पे बोला जाता है और दिल से बोला जाता है इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है आई वॉन्ट कि इस एपिसोड में हम वो कहानी को जाने और गहराई से डेफ़िनेटली ऑनलाइन अगर ढूंढना चाहेंगे हमें सब मिल जाएगा बट आई वॉन्ट कि एक टीन पर्सपेक्टिव से कि हम मेरे अंदर कैसे सवाल आते हैं मैं वो चाहूँगा लोग जाने सो so, सबसे पहले इस टाइटल के पीछे ये इसके पीछे का रीज़न क्या है और स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि आपने सोचा क्यों ऐसा कि आ, आपके दिमाग में ऐसा क्या आया क्योंकि यूजली बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें और बस ये वो चाहत ही रह जाती है तो वो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं विच इज़ गुड विच इज़ इम्पैक्टफुल कि वो करते हैं एफ़र्ट्स लेते हैं बट आपने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो आज एवरी इंडियन इज़ प्राउड अगर मैं देखूँ आपकी स्टोरी तो मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि गॉड ये क्या कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंस्परेशन मिलती है तो आई नो दैट वो बताइए ओके सो इसके रूट्स है मेरे बचपन से जुड़ी हुई है कि बचपन में क्योंकि हमारे जो मैं जिस परिवार से आता हूँ वो बहुत हम सामान्य परिवार से आते हैं और मुंबई के एक स्लम में जन्मा हुआ लड़का था मेरे जो परिवार थे वो विलेज से गांव में गांव से सिटी में आके बसे थे और मेरी मॉम जो थी वो हाउस थी घर पे जाके लोगों के बर्तन करना या खाना बनाना करना मेरी मॉम मेरे डैड थे वो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर थे लेकिन उनको कैसा था कि वो कभी काम मिला नहीं मिला क्योंकि इज़ अ कॉन्ट्रैक्टर सो कॉन्ट्रैक्ट पे जब काम मिलेगा तब और हम एक स्लम में पत्रे के घर में रहते थे जहाँ पे बारिश में पानी भरेगा तो तीन तीन दिन हमें खड़े रहना पड़ता था या सो सोना भी है तो भी खड़े सोना है कभी कभी आ, अगर मॉम का काम पे जाना नहीं हुआ उनकी बीमारी के कारण या डैड को कुछ काम नहीं मिला तो ऐसे भी दिन बिताए जहाँ पे तीन तीन दिन खाना नहीं खाया फिर भी हंसते हुए लाइफ बिताइए और वो दिन याद आते तो ऐसा लगता है कि आ, अरे आज हम बहुत अलग मुकाम पर आ चुके हैं लेकिन वो चीज़ को भूले नहीं है और बचपन में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए उसमें से एक इंसिडेंट ऐसा भी था कि हम कैरोसिन लैम्प पे पढ़ते थे और वो कैरोसिन लैम्प का जो ऊपर का ग्लास था वो गर्म होता था और मैं पढ़ाई करते समय एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था एंड वो गिरने आया ग्लास एंड वो जो ग्लास था कांच का वो मेरी मॉम का एक दिन का आप कह सकते हो वेजेस थी अगर वो फूट जाता है तो क्योंकि मुझे मॉम को वो एक दिन का वेजेस उस ग्लास को लेने में लगाने पड़ेंगे एंड मैं वो नहीं चाहता था कि वो घिरे तो मैंने वो बचाने गया मेरे हाथ जल गए थे लाइफ में तो मेरी मॉम आई और उन्होंने मुझे बचपन से बहुत सारी चीज़ सिखाई तो उस दिन भी मुझे एक चीज़ सिखाई कि तू ज्यादा भविष्य में सोच मत अभी फिलहाल अभी फिलहाल आज का सोच सो so, वो बुक अभी हम पढ़ते हैं पावर ऑफ नाव उन्होंने मुझे तभी से सिखाना चालू कर दिया कि आप भी का सोच ठीक है फूट गया फूट गया लेकिन तुमने अभी हाथ जला लिया अब उसके इफेक्ट तुम्हें ज़्यादा खर्च आएगा ना मुझे वो तो सच अगर नहीं वो बचा नहीं नहीं बचाता तो शायद चल जाता लेकिन वो ना वो जला हुआ इंसिडेंट मुझे याद था और मैंने कहा था कि आज मेरी मॉम इतनी मेहनत कर रही है और मेरी मॉम का एक और एक आदत थी कि आजू बाजू वालों के लिए बहुत मेहनत करती थी वो सिर्फ अपने लिए नहीं रखती थी बचा के वो सबके लिए करती थी तो वो जो परिस्थिति थी जिस परिस्थिति से हम आए हैं वो मुझे याद था कि हमारे लिए कुछ करना है और मेरे मॉम की एक ही लाइन थी और वो हमेशा सिखाते थे तो उसमें से एक थी कि अगर कुछ भी अपने लाइफ में अच्छा होता है उसको शेयर करो और फिर अपने लाइफ में और आता जाएगा तो वो लेके जाओ लोगों के लिए और उनके साथ में वो उनकी केयर करो और उनके लिए भी करो मैंने बोला लेकिन कैसे पॉसिबल होगा अगर मेरे पास एक ही रोटी है या चपाती है तो मैं सब में तो बांट नहीं सकता बोलता नहीं जितना बांट सकते हो उतना बाँटो लाइफ में इट विल कम बैक इन अ कैस्केडिंग इफेक्ट एंड आज मुझे वो सच लग रहा है ये जब मैं लाइफ में कुछ करने गया तब बचपन से फिर मैं वो समाज कार्य की तरफ बढ़ा और वो समाज कार्य करते 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 मैं रोटरी क्लब में चला गया जहाँ पे यूथ क्लब होता है रोटरा नहीं। क्लब ओके एंड okay. वो रोटरा क्लब में मैं जब यूथ विंग का हेड था हम मुझे बहुत सारे रोटेरियंस के साथ में सामाजिक कार्य करने के लिए विलेज में जाने का मौका मिलता था ये कौन से टाइम की बात है आ, ये आप ले लीजिए करीबन 2044 या 5th 5 वो 6 वो, वो पीरियड होगा एक हो था। कॉलेज था। में थे आप या मैं, मैं कॉलेज में था। कॉलेज, था कॉलेज हो चुका था जस्ट कॉलेज के बाद कॉलेज में तो मैंने बहुत सारी अह और एनसीसी से बहुत सारे सोशल वर्क कर चुका था तो वही था कंटिन्यू करना था इसके लिए मैंने वो रोटरा क्लब ज्वाइन किया था क्योंकि कॉलेज क्यों के बाद कुछ ऐसा क्लब नहीं था जहाँ पे यूथ कुछ जाके काम करे तो क्लब बोलते तो लोगों को बहुत सारी चीज़ें अलग याद आती लेकिन ये ये सोशल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन थी तो मैंने ज्वाइन किया और जब मैं रोटरी के साथ में विलेज में जाता था विलेज सी कंडीशन देख के मुझे अपने दिन याद आने लगे कि आज तो ठीक है हम दो वक्त की रोटी अच्छे तरीके से खा सकते लेकिन इनके इन लोग अभी भी इस तरीके से जीवन जी रहे तो ये दो हजार चार की बात है और तब मैंने एक विलेज में देखा कि बच्चे ना कैरोसिन पे पर थे क्योंकि शाम हो गए थे हम वहाँ पे रुकने वाले थे जो रोटी रिन थे उनकी वहाँ पे फैक्ट्री थी तो हम शाम को उनको अनाज बांट के लेट हो गए फिर फैक्ट्री जाने वाले थे तो शाम को बच्चे पढ़ने बैठे और उन्होंने करोसिव लैम्प लगाया एंड देन आई रियलाइज माई इंसिडेंट मुझे वो याद आया ये भी तो कल उठ के इसमें से भी किसी बच्चे का हाथ जलेगा क्या हो सकता है क्या हो सकता है तभी मैं जब स्टडी कर रहा था तो मुझे वो सोलार लैंटन के बारे में थोड़ा पता चला था तो मैंने और रिसर्च किया और मैंने एक डिजाइन बनाया कि ये बच्चों लोग को तो मैंने वो उनका डेटा निकाला कितने बच्चे पांच सौ करीबन बच्चे थे आइडिया अच्छे लगे लेकिन बोलते मतलब ना कि वो फंड होता है हर एक चीज का एक कॉस्ट होता है तो उन्होंने थोड़ा टाइम लिया लेकिन लकीली वो पास हो गया फिर उन्होंने बोला कि चलो करते प्रोग्राम बताओ तुम कैसे करोगे अभी आइडिया तो लेके आए करोगे कैसे बताओ तो मैंने बोला ठीक है सर आप अगर इतना विश्वास डाल रहे हो तो हम करके दिखाते आपको हमने एक पूरा प्लानिंग किया वो विलेज में गए वहाँ पे वो विलेज के साथ पूरा बैठ के एक डिज़ाइन बनाया कि कौन से बच्चे को दे सकते तो हमने जो क्वांटिटी कौन, कौन, डिसाइड की थी कि कितना लैंटन बांटेंगे उससे बच्चे बढ़ रहे थे तो फिर हमने उसमें से चुने कि 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 किसको ज़्यादा नीड है तो वहाँ से एक और एक चीज़ पता चले कि नीड बेस्ड सपोर्ट करो आप कभी भी हम कभी करते हैं कि अगर आज भी किसी को बांटना है कुछ तो हम क्या करते हैं रैंडमली लोगों को बांट देते हैं हाँ। ऐसा नहीं करना होता है तो वो सामाजिक क्षेत्र में अगर काम करते हो तो नीड बेस्ड एनालिसिस होना चाहिए तो वहां पे हमें पता चला कि ठीक है वहां पे 700-800 बच्चे हैं लेकिन हम 500 बच्चों को चुन सकते हैं जिनका नीड सबसे ज्यादा है या उनकी जरुरत है हम फुलफिल कर सकेंगे तो उनके लाइफ में कुछ फर्क पड़ेगा बट अभी इसमें एक सवाल ये ये आता है कि ये figure out कैसे करें कि कौन सा सबसे ज्यादा नीड तो, तो ये फिगर आउट करने के लिए देखो एक चीज है नीड बेस पे आप उनके लाइफ में एक तो क्या कमी है वो जान लोगे लेकिन उनको अगर किसी ने और ने कुछ चीज चीज़ दिया वो उन्होंने कैसे रखा है कि वो, वो वैल्यू कितनी करे कर और फिर हम जो चीज दे रहे क्या वो वो अपने पहले वाला जो उसके पास मीडियम है उसको रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा देखो आज अगर तुम्हारे पास में कैमराज है और कल उठ के तुम में कोई आके बोलता है कि मैं नया कैमरा तुम्हें दे रहा हूं लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारे कैमरे पे तुम कंफर्टेबल हो तो तुम्हारे नीड में वो कैमरा है ही नहीं तो मैं दे भी दू तो यहाँ पे पड़ा रहेगा आपके स्टूडियो में सेम है आप अगर विलेज में जाओगे विलेज में आप जब इंट्रैक्शन करते हो ना आपको समय में आ जाता है या वो दिखा रहे है कि मेरी नीड है। हमें तो हमें भी ऐसा लगा कि बहुत सारे तो हमने भी कंट्रीब्यूट किया था क्योंकि इट वाज नॉट एग्जैक्ट फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड इलेवन टे होंगे तो बारह तेरह हमने भी अपने पॉकेट से डाले क्योंकि वो प्रोजेक्ट ऐसा जा ही रहा था उस लेवल पे इस तरीके से बैठा फिर हमने जाके वो डिस्ट्रीब्यूट किया उस दिन जो तरीके का उस माहौल बना था उन बच्चों के आंखों में मतलब एक खुशी का माहौल बना था और जब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें फ़ोटोज़ आने लगे और हमें स्टोरियाँ आने लगे कि बहुत अच्छा लग रहा है इसमें पढ़ने से बच्चों के आंखों में कोई तकलीफ नहीं हो रही है बच्चे ज़्यादा उत्साह से पढ़ रहे हैं तो हमें लगा यार हमने कुछ अच्छा किया एंड टचवुड उसी के बाद में ना मेरा एक फ्रेंड था जो आ, थोड़ा मराठी मीडिया में आ, पेपर में लिखता था तो उसने मुझे मेरी स्टोरी मंगवाई मैंने बोला ठीक है देखो ये फोटोग्राफ okay. है, yeah. है ये yeah. मेरा yeah. फीडबैक yeah. आया लोगों से right. और ये हमने किया और क्या कैसे किया तुमने तो उसने टेलीफोनिक मेरा इंटरव्यू लिया मुझे लगा कि जस्ट कुछ

लेक्टेड अमंग you, you 50 यूथ जिन्होंने अच्छा काम किया तो आप इसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं मैं बोला लेकिन आ, मुझे ऐसा सही नहीं लग रहा है मैं तभी कभी दिल्ली नहीं आया था तभी उसके पहले हाँ। तो मुझे थोड़ा फेक लग रहा था तो उन्होंने बोला नहीं हम हर एक क्षेत्र के लोगों को ये अवार्ड दे रहे तब तक मैंने मेरी कंपनी शुरू की थी दैट इज़ अ वो एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग फील्ड में थी तो उन्होंने बोला कि एडवर्टाइजिंग में कोई समाज कार्य कर रहे हैं उसके हम उनको बुला रहे वैसे ही अनुपम खेर जी आ रहे जो एक्टिंग में है अभिनव बिंद्रा आ रहे जो स्पोर्ट्स में जब इन उन्होंने इनका नाम लिया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया hmm. तो फर्स्ट टाइम था कभी अवार्ड सेरेमनी या इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था मैं वहां गया वहां पे जो चौका चौंक देखी और वो जो रिस्पेक्ट देगा एक ही चीज अगर आप कुछ अच्छा करते हो और उसको वो छोटे से अच्छाई को आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है तो मैंने सोचा अगर मैंने और ज्यादा अच्छा करना चालू कर दिया आई थिंक मेरे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की छोटे nice. तो से मतलब आइडिया से एक प्रोजेक्ट हुआ वो प्रोजेक्ट आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई है तो स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस आप सोचो आपको कहा ले जाए आप कभी नहीं जा सकते तो मैं इसी प्लेटफॉर्म से सारे आपके व्यूवर्स को भी ये बोलना चाहूंगा कि स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस करो लाइफ में बहुत काम करेगा ऑल्सो एक चीज जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई वो ये है कि मैं बहुत बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ हम लोग इतने सारे शार्क टैंक ऑन से बातें करते हैं और सारी चीज़ होती है बट बहुत सारे लोगों का मेन ऑब्जेक्ट रहता है कॉर्पोरेटिश बनाना प्रॉफिट बनाना विच इज़ वेरी एब्सुलटली फाइन बहुत अच्छी बात तो है मैं मैं गलत बात अप्रिशिएट करता हूँ बट जब मैंने आपकी स्टोरी वाई आई वॉन्टेड यू ऑन माई शो इसके पीछे की रीजन ये था कि मेरे को ये जानना था कि एक इंसान बहुत अच्छा बिजनेस भी बना रहा है और उसके साथ उससे बिजनेस से भी बड़ी कॉज एक फुलफिल कर रहा है कि यार हर जगह हिंदुस्तान के विलेज में सरकार कह रही है कि हमने बिजली तो पहुंचा दी बट हर घर में क्या लाइट जल रही है नहीं नहीं। और वो लाइट जलाने का जिम्मा आपने ले लिया हम ये तो मान लेते हैं कि यार उस कोने तक तो वो चीज़ पहुंच गई क्या पर उस कोने में वो चीज़ पहुंचने के बाद वो काम करिए मैं शाहरुख खान की मूवी अब आप, आपको लोगों ने बोला होगा डेफिनेटली मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि शाहरुख खान की वो मूवी मेरी फेवरेट थी और उससे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था बट आज मेरे सामने रियल लाइफ

जो प्रोडक्ट्स है सोलार के उसको मार्क आउट कर लिया और मैंने मेरी टीम को...

बिजनेस uh, फैमिली से हुई नहीं मैं फार्मर फैमिली से हूँ hmm. तो uh, एक फार्मर फैमिली से होने वाला बंदा और मुंबई में uh, बहुत सारे सामान्य फैमिली से आया हुआ लड़का बिजनेस कैसे hmm. बोल सकता है ठीक है एंड वो बिजनेस था भी नहीं वो एक कल्पना थी कल्पना ये थी कि हम एक कॉस को भी लेंगे और हम प्रॉफिट भी अर्न करेंगे तो बोला पॉसिबल ही नहीं क्योंकि तब भी के टाइम पे सोशल वर्क एंड आंट्रप्रनरशिप ये कभी एक साथ नहीं था हाँ। वो हमेशा दो दु, दु, अलग बात होती है अगर आप प्रॉफिट कमाने चालू हो गए तो आपको कभी नहीं कहा जाता था कि आप सोशल हाँ। ट्वेंटी है, है, है एग्जिस्ट करती है जो चैरिटी कमिश्नर भी रजिस्टर होती है एंड इनकम टैक्स में भी रजिस्टर होती है लोग पहले पैसा कमाते हैं पांच करोड़ रुपए का बिजनेस बनाते हैं उसके बाद प्रॉफिक होता है उसके बाद वो थोड़ा सा इस लेवल पे आते हैं कि फिर वो चैरिटी वगैरह स्टार्ट करते हैं आपने पहले चैरिटी बनाई फिर बिजनेस बनाया फिर बिजनेस बनाया करना तो मुझे एनजीओ ही था लेकिन आ, हमें एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करने के समय ना मुझे द ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव नहीं दे रहे थे वो इंडिया नहीं दे रहे थे अच्छा और बहुत डिले हो रहा था डिले हो रहा था बुला मैं यार मेरा, मेरा पेशेंस लेवल ऐसा है कि नहीं है ये क्या हो रहा है मुझे बहुत कुछ करना है मुझे बहुत करना है रही और रही मेरे पास लोग भी पूछ रहे थे कि काम करना है तो 2009 से मैंने वो बिठा के पूछा फ्रेंड्स ने ना बोला किसी ने ना बोला सडनली एक अजनबी ने मुझे हाँ बोला अच्छा आके हाँ। वो कहीं मिला था रोड्रा के इवेंट एक एक में एंड वो परस्यू करने वाला था इंजीनियरिंग बोला तो हाँ सर मुझे अच्छा लग गया मैं करूंगा सो ई वॉज माई वेरी जूनियर तो मैंने बोला ठीक है चलो आ जाओ साथ में करते एंड वो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में चला गया तो उसका नॉलेज हमने गैदर कर लिया कि किस तरीके से मैं इंजीनियर नहीं था लेकिन आज इंजीनियर्स को चला रहा हूँ वो अलग बात है तो उसने मुझे बोला कि चलो करते हमने डिजाइन किया हाँ। लेकिन क्या, क्या करे तो एनजीओ करे कंपनी करे, करे। तो, तो पहले तो डिसाइड तो हुआ एनजीओ करते चलो एनजीओ से शुरू करते तो नाम रजिस्टर करने गए इंडिया दे ही नहीं रहे क्योंकि तभी ऐसा था एक वक्त आया था कि आप एक सिटी या विलेज का नाम लेके चीजें करने जाओ तो आपको नहीं मिलता और इंडिया तो बहुत बड़ा नाम है अभी तो उसके ऊपर भी पे <laughs> इश्यूज हो रहे right. तो आ, हमने बोला क्या कर सकते तो सही है तुम्हें करना है तो, आ, भी सोच रहे हो। तो बोला हाँ मतलब नॉन प्रॉफिट हो क्योंकि मेरा सोशल फील्ड से ज्यादा कनेक्टेड तो नॉन प्रॉफिट हो तो बेटर है ऐसा तो जरूरत नहीं है आज के दिन में तुम्हें प्रॉफिटेबल कर सकते तो आप तुमने सुना, है। मैं बोला, सुना तो नहीं है लेकिन पढ़ लूंगा तो बोला देख वो भी पढ़ लेना तुम स्टडी कर लो तुम्हें समझ में आ जाएगा सोशल अंतरप्रेनरशिप क्या होता है और तुम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू कर दो मैं बोला उससे क्या होगा तो बोलो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से तुम बहुत सारे रोजगार कर सकते हो तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट uh, देते देते तुम सस्टेनेबिलिटी भी कला सकते हो कंपनी में राइट right. एनजीओ में क्या होगा कि तुम डोनर रहोगे हाँ। तो तुम्हारा जो रीच है या तुम्हारा जो इम्पैक्ट है वो शायद इतना नहीं होगा और, बहुत स्लो होगा हाँ और तुम अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करते हो तो बहुत सारी चीजें चेंज भी कर सकते हो सेल्फ एफिशिएंट भी हो जाते हो हाँ प्रॉफिट कमाओगे उसको रखोगे कंपनी में उससे बहुत सारे लोगों इम्प्लॉयमेंट हो गए तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी एनजीओ में तुम्हारे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम रहेगी बोला ठीक है मतलब दोनों भी सही है अगर यहाँ पे नाम नहीं मिल रहा है सो लेट्स टेक अ चांस फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड देन फाइनली 2009 से लेकिन 2014 तक पाँच साल चले गए तब तक मेरा नाम बन गया था द सोलर मैन ऑफ इंडिया तो द ऑफ इंडिया नहीं था बट द सोलर मैन लोग मुझे पहले मजाक में बोलते थे मतलब है ना टाइटल चर्चा करने नहीं नहीं लगते नहीं। हो तो आपको लोग चुढ़ाना भी चालू करते जैसे आपने भी ये जब टॉक शुरू किया होगा तभी लोगों ने बोला होगा ए हाँ। तो तो वैसे मुझे भी अरे सोलार वाला आया क्या सोलर मैन कैसे हो हाँ। क्या चल रहा है फिर बेचा कि नहीं सोलार तो मजाक को अगर अच्छी तरीके से लिया जाए और सीरियसली लिया जाए तो आपका टाइटल बन सकता है ये मैंने आज जाना है हाँ। तो कुछ दिन पहले वो एक टीजिंग फेज में था कि लोग टीज करते थे और आज उसको रियलिटी में लोग रिस्पेक्ट देते उस नाम को तो अगर कोई आपके पास पत्थर फेंक रहा है तो उस पत्थर पे घर बना लो हाँ। और मैंने बना लिए आज वो टाइटल है इस पे हम एक शॉर्ट काटेंगे <laughs> कि आप पे कोई पत्थर फेंक रहा है तो उसका घर बना लो नाइस ओके सो लेट मी नो कि क्या चैलेंजेस आते हैं क्योंकि डेफिनेटली जब आप ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आप लोगों को उन लोगों के साथ भी डील करना पड़ता है जो कि एक एक बहुत अलग सोच, अलग, रखते, हैं। आ, अलग सोच अलग रखते हैं अलग सोच रखते हैं और उन लोगों को कन्विंस करना वो बहुत इनोसेंट होते हैं आप जब उनके पास जाते हैं तो उनको लगता है कि यार ये हमारे से कुछ फायदा तो नहीं निकाल ले फायदा ले ले हमारे को और ज्यादा हम हमारी वैसी हालत खराब है और ज्यादा नगर तो एक चैलेंज तो ये होता है दूसरा चैलेंज ये कि आप दिल्ली मुंबई बैंगलोर चेन्नई ऐसे बड़ी जगह पे बैठे हो यार कंफर्टेबल आपके पास सोर्सेज है रिसोर्सेज है सब कुछ है बट जब आप एक गांव में जाते हो फिर एक गांव के भी उस कोने में जाते हो जहां पे कुछ नहीं पहुंचा जहाँ डेफिनेटली जहां बिजली नहीं पहुंची आई गेस वहां क्या ही पहुंचा तो जब आप वहां तक जाते हो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता तो वो थोड़ी स्टोरीज बताओ क्या हाँ देखिए मैंने जैसे कहा कि मैं बचपन में बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशन में जा चुका हूँ तो मेरे जिस एरिया में रहता था या जिस स्लम में रहता था तो, वहां पे लाइट गई तो बारिश में या कहीं टाइम पे या कहीं डीपी जल गए तो हमें भी एक एक वीक तक लाइट नहीं आती थी अभी अभी तो हम लाइट चली गई मुंबई में तो फोन कर लेते उसको इतना परेशान करते थे कि वो आज एक घंटा उसको लगने वाला रहेगा तो पंद्रह मिनट में काम खत्म करके आपकी लाइट चालू कर करते लेकिन तब भी एक एक वीक हमें लाइट अंधेरे में रहना पड़ता था ओके okay. और कभी कभी तो अगर किसी ने कहीं जल गया कुछ तो तो फिर आप बोली जाओ तीन तीन महीना सेम परिस्थिति जाने के कारण ना मैं इन लोगों की जो कंडीशन है ना वो बहुत ज़्यादा जान पाया उनसे कनेक्ट कर पाया तो इस तरीके तर... से लैंग्वेज बना ली इस तरीके से लेवल बना लिया कि जब मैं विलेज जाता था ना तो मुझे पता है कि डिफिकल्टीज क्या थी एक तो लैंग्वेज बैरियर तो मैंने शुरू तो महाराष्ट्र से किया था तो मेरी तो मराठी लैंग्वेज थी तो मैं कनेक्ट कर पाया सो मराठी सेकेंड उनकी स्थिति और मेरी कुछ साल पहले, पहले वाले से थी सेम थी हुँ। तो मैं उनके जो रिलेटेबल हो गया वो सिचुएशन के हिसाब से तो मैं समझ पाता था ऐसा नहीं था क्या होता है कि कोई कोई समाज कार्य में क्या होता है कि अच्छे घर से आते हैं तो उनकी वो समझ नहीं पाता उनकी एक्चुअल कंडीशन ऊपर से समझता लेकिन मैं डीपली समझ पा रहा था उनको कि उनको लगेगा क्या क्या हम दे जिससे उनको बेनिफिट हो और वो भी एक आज देने से आज का दिन ना निकले इट इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जिसको आज हम कहते तो वो एक समझा थर्ड था टेक्निकल एंड इमोशनल सो वो इमोशनल उन लोग इमोशनल होते एंड टेक्निकल एस्पेक्ट तो इनको टेक्निकल ज्यादा नहीं समझ में आता है लेकिन अगर उनको समझाया जाए तो उनसे अच्छे लोग भारत में नहीं है अगर आप रूरल फेज में जाओ वो जितनी जुगाड़ू होते उतने हम भी नहीं होते Absolutely. हम वो रियल चीज है जैसे अगर आ, आप अगर टिकटॉकर जितने बने तो रूरल साइड से टिकटॉकर ज्यादा थे और वो ज्यादा कमा भी रहे थे क्योंकि उन्होंने उतना जुगाड़ कर लिया वैसे ही था तो ये मैं मुझे पता था कि अगर ये टेक्नोलॉजी सोलर जैसे चीज उनको पता है लोगों को पता है और जो रूरल पार्ट था ना वो ज्यादा बेनिफिशियल था सोलार के लिए क्योंकि उनके पास जगह भी होती है लगाने के लिए ओके वो उनकी नीड भी है वो ये जो टेक्नोलॉजी है वो यूज करने की अगर आप सिटी में देखोगे ना जैसे मुंबई में अब भी अवेयरनेस हुआ है दिल्ली में अभी अवेयरनेस हुआ है लोग वो लाइफस्टाइल यूज कर रहे हैं सोलर लगाने का सब्सिडी मिल रही है तो वो भी लेकिन पहले नहीं करते थे उसका रीजन क्या था पता है क्योंकि उनकी नीड नहीं थी उनको आपकी जो लाइट है जो अपने घर पे लाइट आती है वो आ ही रही है आवर्स यू आर गेटिंग मिनिमम पावर पावर कट्स कट्स बिजली भी इतना तभी महंगी नहीं थी दिल्ली में तो फ्री चल रही है हाँ, दिल्ली में तो फ्री चल रही है <laughs> आपको तो जरूरत ही नहीं है नीड ही नहीं है तो विलेज में कहता उनका नीड है उनको टेक्नोलॉजी सिखा दो तो वो कर लेंगे उनके पास स्पेस है एंड उनसे ज्यादा हार्नेसिंग ऑफ दिस एनर्जी कोई नहीं कर सकता हम भी नहीं ओके okay, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन अगर उसको पता है कि मेरी डिपेंडेंसी ये लाइट है क्योंकि वैसे भी जो लाइन तभी तो तभी का तो जमाना ऐसा था कि लाइट भी नहीं थी अभी तो फिर भी मोदी गवर्नमेंट के बाद मतलब आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी बट यस आई रिस्पेक्ट कि उनके आने के बाद में विलेजेस yes, तक हाँ सब सब तक लाइट पहुंची सब घर तक पहुंची नहीं है वो ठीक है वो धीरे धीरे होगा क्योंकि इतना बड़ा देश है लास्ट माइल जाने के लिए टाइम तो लगेगा तो हम तब भी के टाइम पे जब लाइट नहीं थी तब भी मैंने देखा है कि डिपेंडेंसी उनकी सोलार पे ज्यादा हो गई थी क्योंकि उनके लिए ना वो सेकेंड सोर्स नहीं था या बोल दो तो ना कि ऑप्शन नहीं था उनके लिए वही फाइनल ऑप्शन था क्योंकि वैसे भी वो जो लाइट है वो तीन तीन महीने आई नहीं रही थी बारिश में लाइट चलेगी या कहीं डीपी जल गया तो उनको लाइट मिलने ही वाली नहीं थी तो ये जो सोलर हमने उनको देना शुरू किया था ना वो उनके लिए बेस्ट था तो हमें ना छोटे गाँव से जब वो बंद हो जाता था ना तो फोन आते थे और हम उनको कहते थे कि ऐसा करो या वैसा करो या हम रिप्लेसमेंट में कभी भी प्रोडक्ट भेज देते थे जबकि वो जो कॉर्पोरेट से आया है वो बजट में तो निकल जा चुका होता तो हमारा बजट खत्म हो चुका होगा फिर भी हमारे प्रॉफिट में से हम ये चीज करते थे क्यों क्योंकि हमें पता है अगर हमारे घर पे लाइट नहीं तो क्या होता है हमने अंधेरे में दिन निकाले सो so, उनका इमेजिनेशन उनको इमेजिन करते थे हम उनको क्या होता रहेगा या उनको कितना वो दर्द होता रहेगा और वो चीज समझने के बाद ना उधर इमोशनल कनेक्ट हो गया उनके साथ फिर वो जुगाड़ में हमने उनसे भाप ली फिर लोगों को बोलने लगे कि देखो ये आप कैसे यूज कर सकते हो फिर हमने देखा एक लैंटन दिया था। वो लैंटन से उन्होंने चार्जर में बना लिया आप सोचो मतलब तो लोग इतनी जुगाड़े होते एक पैनल को हाँ। कैसे कनेक्ट किया वो जोड़ के वगैरह हाँ। तो वो पैनल का इस्तेमाल वो करते थे लैंटन को भी चार्ज करते थे और अपना मोबाइल भी चार्ज करते थे इट सो मतलब क्या क्या लेके आए वो रेडियो का कुछ वो बैटरी निकाला फिर वहां से ट्रांसफर कर दिया मतलब क्रेजी मतलब आपने एक एक सोर्स दे दिया उन्होंने उसको भी और आगे ले exactly. मैं वही बोल रहा हूँ कि आ, मेरे लिए जो क्षेत्र बना ना रूरल पार्ट ऑफ इंडिया वो मेरे लिए भी लर्निंग पॉइंट ऑफ था हुँ. और फिर जो नाम बना नाम इस तरीके से बना कि सौरव मानव आ, आ गए तो जो मराठी में हम लोग कहते थे अरे सो सोलार वाले आले ऐसे तो बोलते थे तो वो धीरे धीरे वो बनते बनते एक टाइटल बना एंड देन मेरे एक फ्रेंड थे आ, वो लोकमत में काम करते थे जो मराठी न्यूज पेपर है लीडिंग न्यूज पेपर इन महाराष्ट्र तो वो आ गया मुझे बोलता है अरे बहुत सुना है तेरे बारे में चल जा रहा तेरे विलेज में दाख्य तो मुझे नहीं मालूम था कि उसको भी ऐसा था कि ये बहुत बोल रहा है या इसके बहुत सारे लेटर्स आ रहे हैं या उसको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं right. तो क्योंकि मैं वो अपने तभी फेसबुक का जमाना था इंस, इंस्टाग्राम तो अभी अभी आया है तो फेसबुक में हम उसको पोस्ट करते थे ना तो उसने देखा था मैं तो चल देखता हूँ एंड फर्स्ट टाइम वो इतना गदगद हो गया देख के कि विलेज में किस तरह से हमें रिस्पेक्ट मिलता है किस तरह से हमें रिसीव किया जाता है किस तरह से हमें नाम से पुकारा जाता है कि ये सोलार वाले सचिन जी आए हैं और और वो 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 हर हर चीज हर मोमेंट पेपर में लिखा और वहां से फिर वो मेरा नाम ज्यादा फीचराइज हो पहले तो, तो वो लोग लिख के देते ही थे कि हाँ सोलार मैन उन्होंने उपाधि दी थी मतलब विलेज में एक विलेज में मुझे वो आ, मंच पे आ, जो आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे सरपंच बोलते हैं हाँ, पे प्रधान बोलते हैं गांव के जो भी है तो उन्होंने वो बोलते ना कि बहुत इमोशनली बोला मैन है हमारे बीच में हाँ. एंड वहां से फिर वो सब लोग मुझे ये आपकी हमारी तरह से उपाधि है हाँ. एक स्कूल में प्रोग्राम हो रहा था आज भी वो सर मुझे बहुत मानते हैं आज भी मेरी मॉम को बहुत पूछते है कि आ जाओ उनके यहाँ अगर मैं स्कूल में चला गया तो वो एक उत्सव बनाते कि सचिन जी आए आज भी क्योंकि उनके बच्चों को जब लाइट नहीं मिल रही थी तो हमने लैंटर्न बांटे थे एंड ही वॉज सो हैप्पी कि आज भी वो रिस्पेक्टफुल हमें ये करते उन्होंने वो नाम वहां पे दिया वो ने और वहां से आज जर्नी यहां तक है क्रेजी आपने मूवी देखी है वो टॉयलेट ऐसी एस, आई वांट की एक मूवी आप ही बने सो लोग डेफिनेटली नहीं तो मैं पैसे कमा के मैं प्रोडक्शन बट आई वॉन्ट दैट होना Definitely. चाहिए आई विल वेट फॉर दैट ऑल्सो चलो ये भी अच्छा मेरा भी पाया <laughs> ये मेरा कॉर्पोरेट दिमाग बोला बट गया दिस इज क्रेजी सो लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा डेटा कि कितने घर को आप आज तक लेटअप कर चुके हो Uh, घर देखा जाए तो सेवेंटी फाइव से uh, थाउजेंड से ऊपर घर हमारे हो चुके सेवेंटी फाइव थाउजेंड थाउजेंड से ऊपर और थर्टीन uh, स्टेट्स uh, में हम काम कर चुके हैं डे बाई डे हम जा रहे uh, अब हमारे करीबन करीबन पाँच सौ साठ विलेजेस कवर हो चुके हैं इन थर्टीन स्टेट्स Uh, हमारा जो अब भी हमने टीम ने बैठ के एक टारगेट सेट किया है कि 2025 तक तो थाउजेंड विलेजेस का टारगेट तो हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ था उसके पात पे हम चल ही रहे और डे बाय डे हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट है जो हम आसानी से थाउजेंड विलेजेस अचीव कर लेंगे दैट गॉड ग्रेस हमें लोग पूछ भी रहे हम उस स्पीड में प्रोजेक्ट कर भी रहे टचवुड मेरे पास जो टीम है आज के दिन uh, सारे इंजीनियर्स हैं सिर्फ इंजीनियर्स नहीं तो वो सोशल इंजीनियर्स है क्यों बोलूंगा वो ऑफिशियली तो टेक्निकल टेक्निकली एंड ऑफिशियली वो इंजीनियर है मैकेनिकल right. या सोलर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बट उनके अंदर ना वो सोशल वर्क का जज्बा भी है जिससे वो कनेक्ट कर पाते तो वो जो वहां पे जाके लगाते हैं ना विलेज में तो वो बहुत मेहनत से बहुत प्यार से उस चीज को लगाते hmm. और उसी तरीके से वो विलेजेस को ट्रेनिंग भी देते तो ये लोगों के वजह से ना हमने अभी बैठ के एक और डिसाइड किया था कि हम सारे सारे के सारे अपने जितने भी स्टेट्स हैं हर एक स्टेट्स में हम पहुंचेंगे पहले तो छोटा एक हाथ दूसरा प्रोजेक्ट करके और फिर छ लाख विलेजेस तक हम कैसे पहुंच सके और वहां पे कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर सके और कहाँ से आएगा किस तरीके से आएगा डोंट नो बट कुछ साल पहले ऐसे ही एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ था जहां पे मैंने हजार विलेज का बोला और आज वो टारगेट लेके चला रहा चलाई तो थिंक मुझे लगता है लाख के लिए पैसा उतना विलिंगनेस और उतने हाथ देगा और हम छह विलेजेस को पहुंचेंगे लोगों तक जाए कि थोड़ी सी मदद मैं भी कर सकूनेटली अब मैं एक सेगमेंट में आना चाहूंगा बिजनेस बिकॉज बहुत सारी ऑडियंस ये समझना चाहेगी और आई वॉन्ट कि ये जान मुझ के कि ये समझे बिकॉज हमार को और आप जैसे लोग चाहिए कि जो सिर्फ बिज़नेस ना करें बिज़नेस करें पैसा कमाएं मुनाफा कमाएँ बट एक ऐसी कॉज में भी बनाए जो कि इम्पैक्ट कर रही है और कंपाउंड कर रही है और हर जगह पहुंचे जो आपने कहा कि गवर्नमेंट ने बहुत गांव तक बिजली पहुंचाई बट लास्ट माइल तक नहीं लेके जा पाई बिकॉज ऑब्वियस रीजन इंडिया बहुत मैसिव है और आप जैसे लोग हाँ और आप जैसे बिजनेसेस आई वांट की और क्रिएट हो जो कि लास्ट माइल तक गवर्नमेंट की भी हेल्प करके उसको लेके जाए क्योंकि ओवरऑल हम लोगों का ही फायदा है सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि इस बिजनेस को जैसे बहुत सारे लोगों के सवाल ये आएगा कि आप लोग जाके उनको फ्री में सारा कुछ करके दे रहे हो बट फिर आपको पैसा कैसे मिल रहा है पहला सवाल कि इसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जा सकता है आप पहले इसके बारे में बताओ फिर मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है सो देखो कोई भी बिजनेस कैसे सेट होता है कि आप कोई भी इंडस्ट्री का एक गैप पकड़ते हो right. और वो गैप फिल करने के लिए आप प्रोडक्शन करते हो या सर्विस देते हो ठीक hmm. है तो वो प्रोडक्ट सेल करोगे या सर्विस सेल करोगे तो उससे पैसा आएगा hmm. अब उसके लिए आप एक टारगेट ऑडियंस फिक्स करते हो right. कि दिस इज माई टारगेट ऑडियंस अब होता क्या है बिजनेस में आप टारगेट ऑडियंस को एक कस्टमर कहते हो

Uh, जग लोग हैं या ऐसे कॉरपोरेट्स uh, है या इस तरीके के एक सेटअप है इंस्टीट्यूशन है जिनको ये अभी नहीं एक सर्टन जैसे अभी तो जरूरत सबको पड़ने लगी है सोलार की लेकिन तभी शायद सोलार की जरूरत उनको नहीं थी जैसे कॉरपोरेशन हो या एन हो तो लेकिन उनके पास इस प्रोडक्ट को खरीदने का पैसा था फाइनेंस था ओके okay? अब बात आती है कि भाई ये जो कॉरपोरेट है वो क्यों देगा किसी और का पैसा ठीक है तब सीएसआर जो था वो जस्ट नया था लोगों को पता भी नहीं था इवन आज भी बहुत सारे लोगों को सीएसआर कंप्लीट क्लियर नहीं है आप थोड़ा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि एक कंपनी को उनके score, जो अगर फाइव करोड़ के ऊपर उनको अगर प्रॉफिट होता है या उनका नेटवर्थ थाउजेंड करोड़ है या उनका आ, जो Revenue एक revenue generation है वो 500 एक से ऊपर ऊपर चला हो गया तो के के जितना भी होगा उसका 2 उनको समाज के लिए देने। mandatory. सेट mandatory, पहले पहले नहीं था पहले हो था होता जैसे टाटा कभी से फिलोसॉफिक कर रहा है ठीक है लेकिन अभी मैंडेटरी किया क्योंकि गवर्नमेंट को भी लगा कि बहुत सारा पैसा प्रॉफिट uh, हो रहा है तो क्यों ना ये दिया जाए तो उनको उसमें से टैक्स बेनिफिट मिलता है अगर वो लोग करते थे तो गवर्नमेंट को ना दे क्योंकि गवर्नमेंट को सारा पैसा आता नहीं है तो इसी बहाने लोगों के पास जाएगा इसके लिए वो एक रूल बना एक मॉडल बन गया बन जहां से गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमें टैक्स ना दो क्योंकि हमने भी वही करना है तो आप डायरेक्टली वो करो डायरेक्टली दो उससे क्या हो गया बहुत सारे एवेन्यूज खुल गए बहुत सारे एवेन्यूज खुल गए बहुत सारे एनजीओ स्ट्रांग हो गए ओके और बहुत सारे सोशल लाइक अस जिनके पास आइडिया थी लेकिन उसको फंडिंग नहीं था right. तो ये अलग फंडिंग एक सोर्स रेडी हो गया right. तो वो फंडिंग सोर्स में क्या हो गया कि हम फंड लेते हैं कॉर्पोरेट से टू परसेंट जो उनका प्रॉफिटेबिलिटी है और वो टू परसेंट में से हम लोगों के लिए कुछ अच्छा प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं एंड वो लोगों को उससे इम्पैक्ट जनरेट होता है लोगों के लाइफ में उसके बहुत सारे कैसकटिंग इफेक्ट चले जाते हैं एंड कॉर्पोरेट के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाता है कॉर्पोरेट के uh, कॉर्पोरेट्स को दो तीन लाइंस बहुत अच्छी लगती सस्टेनेबिलिटी या लॉन्गर पीरियड इंपैक्ट ओके और फिर सी एस आर ऑफकोर्स तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में शायद हमारे आइडियाज पर लोगों ने बिलीव नहीं किया एक प्रोजेक्ट एक तगड़ा प्रोजेक्ट आया उस तगड़े प्रोजेक्ट को हमने बहुत सिस्टमेटिकली स्पीडी वे एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करके कंप्लीट किया फिर हमें अपना यूनिकनेस पता चला कि वी आर नॉट यट अनदर सोलार कंपनी वी वी आर आर इम्पैक्ट क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन जब हमें ये पता चला कि वी आर इम्पैक्ट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो हमने एन का भी काम करना चालू किया हमने सोलार uh, इंस्टॉलेशन का टेक्निकल काम भी करना चालू किया उसके साइड बाय साइड हमने आपका भी काम करना चालू किया जैसे वीडियोग्राफी है फोटोग्राफी है जो उनके लिए कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट देखो सारा टाइम तो वो विलेजेस में आके काम नहीं करेगी डेफिनेटली वो आइदर सर्वे में आएंगे उसके बाद दे विल गो एन देखेंगे तो फिर कॉर्पोरेट को लगा कि दिस सोशल एंटरप्राइज इज द ए टू जेड ऑर्गेनाइजेशन इट इज नॉट ओनली ओनली सोलर कंपनी कम कोई टॉम हैरी वाली सोलर कंपनी नहीं थी वी आर समथिंग हमें वो और ज़्यादा वो पावर मिली कि ये हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। फिर एक प्रोजेक्ट से दो प्रोजेक्ट तीन प्रोजेक्ट चार प्रोजेक्ट एंड आज तो प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट है मतलब कह, कहा जाता है कि कभी भी काम को ना बोलो हाँ हा। लेकिन हमारी उस परिस्थिति में आगे कभी हम ना बोले लेकिन हम नहीं बोल रहे क्योंकि हम लोग बढ़ा राइट तो बेसिकली अगर सपोज जैसे मेरी कंपनी एडोन प्लस तो हम अगर एडोन प्लस में पांच करोड़ से ऊपर का कर रेवेन्यू करते तो उसका दो परसेंट दस लाख के अराउंड दस लाख के क्या तो मैं आपको दस लाख रुपए दूंगा आप मुझे नहीं दोगे मतलब आपकी आप एक प्रोजेक्ट आपको डिजाइन दूंगा हाँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन को दूंगे तो एक प्रोजेक्ट डिजाइन होगा उसमें से जो एनजीओ होते है क्योंकि वी आर अ सोशल एंटरप्राइज वी कैन नॉट गिव एटीजी टू कॉर्पोरेट तो हमारे साथ में बहुत सारे एनजीओ जुड़े हुए ओके ओके सो so, वो उनको जाते हैं अच्छा आप मेरे को प्रोजेक्ट डिजाइन करके दोगे कि ये आप, आप दस लाख में ये होगा exactly. एग्जैक्टली और फिर मैं कहूंगा कि ठीक है फिर आई एम योर डिजाइनर सिंपली ओके लेकिन जो एनजीओ है दे वर बी इंप्लीमेंटिंग पार्टनर्स एंड वी ऑल्सो एन एग्जीक्यूशन पार्टनर हाँ, अब clear, हाँ, वो इम्प्लीमेंट क्या करते हैं वो आपको नीड बेस नीड करके देंगे जो हम भी करते हुँ. उनके साथ जो जॉइंटली हम नीड करतेट तो आप करते। exactly. करते। को क्या मिलता है कॉर्पोरेट को एक एनजीओ से ए uh, मिल जाता है कॉर्पोरेट को वो एनजीओ के साथ में भी टच बेस हो जाता है क्योंकि तो अच्छा काम किया फिलोन किया म्यूचुअल बेनिफिट हमसे क्यों डायरेक्ट जोड़ते है कॉर्पोरेट क्योंकि हमारा जो काम है ना Hmm. क्योंकि एनजीओ सारे टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होते ये याद रखिए हाँ. तो हमारे जैसे कॉर्पोरेट जो सोशल एंटरप्राइज है वही उन्हें लगेंगे क्योंकि टेक्निकली वी आर वेरी स्ट्रांग करेक्ट एंड हम इमोशनली सोशली भी स्ट्रांग है वो hmm. तीनों हमारे जो गुण है वो इतने मैचअप हो गए कि आज कॉर्पोरेट बोलते नहीं आप तो चाहिए ही चाहिए हमारे पार्टनर्स हम एनजीओ कोई भी ढूंढ लेंगे <laughs> वो टेंशन नहीं है वो एक मीडियम है और उससे क्या बेनिफिट हो रहा है ऐसा नहीं कि कोई भी एनजीओ वो ले रही है हुँ. उस क्षेत्र में काम किए हुए एक्सपीरियंस एनजीओ ही कॉर्पोरेट लेती है क्योंकि कल उठ के वो एनजीओ का और हमारा जो लॉजिक है वो अल्टीमेटली भी मैच होना चाहिए ऐसा ना हो जो मैं वेस्ट बोल रहा हूँ वो ईस्ट जा रहा इट शुड बी मैच ओके क्योंकि वी आर डूइंग अ रियल वर्क कल उठ के वो रियल वर्क के चक्कर में ऐसा कुछ भी ना हो कि हमने पैसा डाला और वो विलेज में कुछ काम नहीं हुआ और वो वेस्ट हो गया तो हमें वो वेस्ट नहीं करना है हमें वो वो सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट मैच करना है फिर वो कोई भी स्टेट में हो भारत के लास्ट माइल तक जाके दिस योर होस्ट वरुण वाधवा ये आपको पता है बट दूसरी चीज आपको नहीं पता है नीचे सब्सक्राइब का बटन है जो फ्री है आप दबा क्यों नहीं रहे हो हम देख रहे हैं इतने सारे लोग ये वीडियोस देखते हैं इतने सारे लोग डॉन्टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं पर सब्सक्राइब सिर्फ सत्रह परसेंट लोगों ने किया है तो अगर बाकी के लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे तो हम शायद वन मिलियन के ज्यादा दूर नहीं रहेंगे सो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है आपको हमारी मेहनत अडोटॉक्स टीम की मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें क्योंकि हम हर वेनजे फ्राइडे नाइन पी एम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अडोटॉक्स हिंदी एपिसोड निकालते हैं ग्रेट नहीं सो आई वन आट नो आप थोड़ा सा थोड़ा सा ऑफ रिकॉर्ड होके आई वन आट नो कि आप अपनी टीम के साथ डेफिनेटली विलेजेस में जाते हो तो उसका क्या एक्सपीरियंस होता है क्योंकि एक मैं मैं हमेशा से ही शहरी रहा हूँ मेरे को नहीं पता कि जैसे सबका गांव होता है मेरा कोई गांव नहीं है मैं दिल्ली गई हूँ सो आई वार्ट नो कि कैसे क्योंकि जब भी आप एक विलेज में जाते हो तो डेफिनेटली आपको कोई होटल नहीं मिलने वाला वहाँ पे आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी तो है ही नहीं तभी आप वहाँ जा रहे हो तो वहाँ पे कितना टाइम लगता है सारा सेटअप करने पे और उस टाइम पे आपका आपकी टीम कैसे एक ऑपरेशनल मेरे को जानना है स्टोरी टेलिंग करके आप अच्छे से समझाओ ऑडियंस को ठीक है तो आ, ये ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और मेरा एक्चुअली फेवरेट टॉपिक भी है क्योंकि आ, जब हम विलेज में जाते हैं तो आपको लगता है कि सिटी में आपको सब कुछ मिल रहा है सो यू गेट अ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यू गेट अ गुड इलेक्ट्रिसिटी यू गेट अ मोटरेबल रोड ओके एंड यू गेट अ प्रॉपर बेड to sleep रात को बहुत मेहनत कर लेना पब बिप जाके आए सब जाके आए फिर आपको तो अच्छा जगह सोना भी है लेकिन जब हम विलेज जाते हैं ना तो मेरे पास इतनी स्ट्रांग टीम है जो मेरे साथ में सिटी बाय सिटी घूमती है और हर अच्छी जगह की लुप्त उठाती है बहुत सारी जगह पे वो घूमती भी है लेकिन जब वो विलेज में जाते तो वो विलेजर्स जैसे जाते ताकि उनमें घुल मिल सके उनका विश्वास संपादन कर सके और विलेजेस को अपने साथ लेके काम कर सके और वहाँ पे ऐसा चीज़ होता है कि कभी कभी हमें अच्छा ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिलता है तो हम करते क्या है कि वहाँ पे जो भी पानी अवेलेबल है उसको उबालते उबालते, फिर जो बचेगा उसको छान के पी लेते ठीक है खाना भी हम अगर कुछ नहीं मिला तो जो भी मिला अभी तो हम राजस्थान में थे तब हमें कुछ नहीं मिल रहा था वो विलेज के अंदर तो हमने पीनट्स बटर जोधपुर से ले गए थे हाँ। और ब्रेड जहाँ पे मिला या पाव मिला तो उस पर लगा के वो पीनट्स बटर तो वो विलेज में हम देखते थे खा क्या रहे हाँ। हम बोलते थे नहीं हम ये खा सकते क्योंकि वहाँ पे वो समोसा या चीजें मिलती जो हमें शायद हेल्दी नहीं लगती थी फिर वो विलेज भी कभी भी मस्का लगा लेते कि आप देखो क्या दे सकते हो हमें दाल या चावल भी चलेगा लेकिन गर्म देना क्योंकि ठंडा शायद हम वो खा नहीं पाए या वहाँ का पानी कैसा हो पता नहीं लेकिन अगर उबला हुआ हो या गर्म है तो वो हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट नहीं करेगा कई कई विलेज में तो हम पाँच पाँच किलोमीटर से भी ज्यादा टाइम चल के जंगल में से विलेज को अप्रोच करते हैं इवन जो मटेरियल है वो भी पहाड़ पे चढ़ाना है तो वहाँ पे ना बैलगाड़ी जाती है ना मोटरेबल रोड है ना कुछ जाता है तो थोड़ा बैलगाड़ी में जो जा सकता है जो नहीं बैलगाड़ी में डाल सकते जैसे पैनल्स है वो बैलगाड़ी में डालोगे तो फूट जाएंगे हाँ। तो लोगों के सर पे ले जाना इवन मेरी टीम ने मतलब कम से कम 20-25 के सामान सर पे उठा के कंधे पे उठा के पूरा वो पहाड़ चढ़े विलेज में गए विलेज में रहे विलेज में लाइट नहीं होती थी तभी काम किया है पानी नहीं होता था तो किस तरीके से वो पानी उबाल के पिया जाए वो किया है खाने खुद ही खुद खाना बनाया है खुद खाया है फिर वो कच्चा पक्का हो चल गया है हाँ। आ, कभी कभी बीमार पड़े हैं मधुमक्खियाँ काटी है हमारे बच्चों को कुछ हाँ। लगा है तो वहाँ पे प्रॉपर दवाई के लिए भी डॉक्टर्स नहीं है अवेलेबल क्योंकि आप विलेज में इस जगह पे हो पहाड़ पे चोटी पे हो और आप नीचे जाना मतलब पाँच किलोमीटर आपको डॉक्टर के लिए जाना है तो फिर वहाँ की मिट्टी लगा दी हल, हल, हल्दी लगा दी देसी नुस्खों पर देसी नुस्खों पर आ गए तो एक चीज समझ में आ गया कि आप दो अलग लाइफ जी रहे हो दोनों लाइफ बहुत अच्छी क्योंकि आप अगर आप भारत को देखें, तो हमारा सेवेंटी परसेंट भारत आज भी रूरल में है अगर हम उसको नजरअंदाज कर दिया तो भविष्य में पूरा भारत बन नहीं सकेगा सिटी मतलब भारत नहीं है सिटी के चकाचौन मतलब भारत नहीं है वो हमारे खेत खल्याण वो हमारा भारत है वहाँ के लोग हमारे भारत है सारे सिटी में आके मजदूरी करने लगेंगे तो हमारे खाना कौन देगा ट्रू तो उनको वहीं पे बसाना उनका ट्रांसफर ना हो अलग जगह सिटी में और वो आ, मतलब यहाँ से जैसे अगर कोविड में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सिटी से जब गाँव आ रहे थे तो उनको कितने मीलों चलना पड़ा राइट ठीक है लेकिन अगर उनको ही उनके ही गाँव में बसाया जाए उनको ये सारी टेक्नोलॉजी ले जाके उनको दिया जाए तो जैसे हमने कहा कि वो होते, तो उनको टेक्नोलॉजी सिखाया जाए तो वो उस चीज़ से क्या बना दे आप भी नहीं कर सकते मतलब तो मैं तो आज सिवे टाइटल लेके घूम रहा हूं। शायद वो सारे मैन ऑफ इंडिया रहेंगे इस तरीके से वो टेक्नोलॉजी को आगे ले जाएंगे Crazy. और ये लेवल का हम काम कर रहे nice. कितना <laughs> और, और मैं, मैं

श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने एक टारगेट सेट किया फोर फिफ्टी घीगा जो हम रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे उसमें सोलार का भी अपना एक हिस्सा है और बहुत बड़ा हिस्सा है right. और वो उसके लिए काम भी करे जी ट्वेंटी में भी सोलार के ऊपर बहुत सारी चीजें चले और बहुत सारे पूरे भारत के जितने भी जो एयरपोर्ट्स है वो सोलार हंड्रेड परसेंट रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेंगे वो उन्होंने ऑलरेडी नारा दे चुके हैं अब उन्होंने सोलार वर्ल्ड अलायंस बनाया हुआ है हम उसको लीड कर रहे हैं भारत लीड कर रहे है। तो अगर वो उन्होंने उतना रखा है तो वो देश में वो जाना ही चाहिए और उसके लिए हम हम काम करना है ठीक है तो लेकिन जब आप विलेज में चले जाते हो ना और विलेज को देखते हो और ये लोग जब आप मिलते हो ना आपको जो वेलकम करते हैं या वो टेक्नोलॉजिकली जब वो एडवांस हो जाते हैं ना तब आप उनका काम देखो या वो उन्होंने सोलार जो जो सोलार से जो उनको इम्पैक्ट मिल रहा है या उसका रिजल्ट हम आर की यहाँ मुंबई में बात करते हैं सिटी में बात करते हैं ठीक है लेकिन उन लोग है ना वो आर ओ आई का भी आर ओ आई निकाल लेते इतना उस को करते। right. और हम नहीं करते क्योंकि सिटी में ना नीड नहीं है तो हमने सोलर लगा भी दिया ना वो चार दिन के बाद में धूल खाते पड़ेगा hmm. लेकिन उनका सोलर बिगड़ा तो हमें इतने फोन करते ना वो और हमारी टीम मजबूर हो जाती है उनको वो इमिजिएट सपोर्ट देने के लिए टच वोड हमने जितने भी आज पांच सौ साठ से ज्यादा विलेजेस किए आज भी मेरी टीम कुछ विलेजेस में काम कर रही है महाराष्ट्र के ठीक है तो आप सोचो हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या रहेगा मेरे पास जो टीम है वो कंप्लीट सेल्फ ड्रिवन सेल्फ मोटिवेटेड हम कंप्लीट सैटिस्फाइड टीम है इसके लिए वो मॉर्निंग 7 बजे शुरू करते हैं कभी पे काम करना रात के 9 बजे तक काम करते फिर आते खाना खाते सो जाते फिर से मॉर्निंग 7 उठते और मुझे कोई आके ये नहीं बोलता कि सर 10 टू 7 का जॉब है हुँ. हम 7 से सात से सात से भी ज्यादा काम करें मतलब बारह घंटे से भी ज्यादा काम करे तो हमारा इंसेंटिव क्या होता है वो तो इंसेंटिव और सब तो चीज़ ये चलती रहती लेकिन उनका इंसेंटिव ना क्या है मालूम है उनकी स्माइल्स वो, वो लोगों की स्माइल्स जहाँ पे वो काम करते क्योंकि जब लाइट जलती है ना तो वो चिल्लाते ना जो लाइट लग गई लाइट लग गई कितने सालों बाद लाइट आई है उनके एक्सैक्टली exactly, और हमने ऐसे विलेजेस किए जहाँ पे सेवेंटी सेवेंटी ईयर्स में लाइट नहीं थी आज मोदी जी सब जगह पहुंच रही है वो जो वो जो मिशन चल रहा है लेकिन फिर भी एक गवर्नमेंट इतना सब नहीं कर सकती कहीं ना कहीं हमारे सिविलियंस का भी वो काम है आपसे बोलोगे कि सिर्फ गवर्नमेंट का ये काम है नहीं होगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो गैप बचेगी और वो गैप फील करने का काम हमारे जैसे सोशल एंटरप्रेस ही कर पाएंगे और वो हम कर रहे हैं और अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं प्राउड ऑफ़ यू सर बहुत मज़ा आ रहा है आन नो एक और सवाल कि जब आप लोग एकदम नए रीजन में जाते हो जैसे आप आपने स्टार्ट महाराष्ट्र से किया बट जैसे आप नॉर्थ साइड में आते हो और एक कंप्लीटली विलेज में जब एंट्री लेते हो तो आप उन लोगों को कैसे आ, मतलब उन लोगों को रीच आउट कैसे करते हो उन लोगों से पहले जाके क्या बात करते हो वेलकमिंग डेफिनेटली वेलकमिंग तो होते होंगे बट पूरा सेटअप कैसे बनाते हैं उन लोगों के साथ सो so, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है मतलब हम एक्चुअली डायरेक्ट नहीं जाते सो so, हमारे पास टीचर्स का नेटवर्क होता है okay. या हमारे पास कुछ वहाँ के लोकल्स होते, होते हैं ना उनका नेटवर्क होता है और अभी द बेस्ट पार्ट क्या होगा कि बहुत सारे मेरे ऊपर वीडियोज बने हैं बहुत सारे शॉर्ट्स रील्स एंड आते रहते या बहुत सारे न्यूज पे वो आते रहते हैं तो लोग पढ़ ही लेते हैं और कहीं ना कहीं से वो कनेक्ट करते तो पहले ऐसा होता था कि हम सर्च करते थे विलेजेस अभी हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है इतना हमारे पास आके पड़ा है हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमें कोई फंड करे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सच में सारे प्रोजेक्ट्स को फंड करो कि बहुत सारे विलेजेस को सपोर्ट करना है अगर आ, तो हम क्या करते है? वहां के लोकल्स को टच करते टीचर्स मोस्ट प्रॉब्लम टीचर्स बिकॉज़ टीचर्स जो होते और वो भी के teachers, तो क्या होता है, है मिल जाते मिल जाते. फिर हम क्या करते हैं अगर समझो पर्टिकुलर विलेज जाना है तो वहां का जो प्रधान है वो कैसा है हाँ. वो वो एक अंदाजा लगा लेते हैं उसके बातों से बहुत सारे घुमा फिरा के क्वेश्चंस करते उसको समझ में आता कि ये उसका इंस्पेक्शन चल रहा है right. राइट कि वो बंदा कल ये सब लगने के बाद में इसमें से कोई अलग तो कुछ करेगा नहीं ये बेच तो नहीं देगा या चीजें अलग जगह जाएगी नहीं कहीं पॉलिटिकल अफेयर्स तो नहीं बनेगा ये सारी चीजें देख के फिर हम उस विलेज में एंटर करते right. तो फिर विलेज में जाते ना तो हम दोस्त जैसे जाते हाँ. मतलब हम क्या करते हैं कि हम कुछ आपको बहुत मेहरबानी करनी नहीं है आपके ऊपर आप हमारे ऊपर मेहरबानी करो कि हम आप हमें चांस दो आपके साथ कुछ करने ये जब होता है ना जब आप उनके लेवल पे उतरते जैसे हम आसाम में थे तब आसाम में जो टी फार्मर्स होते जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते उनकी ही जमीन होती है उनका ही फार्म होता है लेकिन बेचारे खुद पैदा करके बेच नहीं सकते मार्केट में तो कोई ना कोई वो एक आंतर्स होते हैं तो वही एक एंट्रेनर्स मेरा फ्रेंड थे तो उन्होंने मुझे कहा कि सचिन क्या आप हमारे यहाँ पे आओगे हमारे लोगों को लैंड चाहिए बोला ठीक है विल डू दैट तो हमने एक uh, बहुत डिस्काउंटेड रेट में दिया तो जब हम विलेज में एंट्री किया ना तो मैंने मॉम को ले गया था मैंने बोला चल देख आपको जो आप चाय पीते हो रोज़ सवेरे उठ के हाँ। वो चाय के बाग़ान कैसे होते हो चल दिखाने लगे तो मेरी मॉम भी बहुत महाराष्ट्रीय साड़ी पहन के वगैरह वहां पे आई तो उनकी साड़ियाँ फिर मेरी माँ उनकी साड़ियां देख रही है उनको बता रही है कैसे फिर हमारी लाइफ में कैसा होता है इनके लाइफ में ऑफ कल्चर एक्सचेंज कल्चर एक्सचेंज हुआ फिर आ, उनके यहाँ पे कहीं भी मिट्टी में सारे जो पौधे उगते हैं उसमें से मैक्सिमम पौधे जो होते वो औषधि होते तो मेरी माम उनसे वो उसकी डिटेल लेने लगी फिर हम भी उनके साथ में चाय कैसे बनती है तो आ, वो चाय सर्व करे थे बनी हुई हमने बोला हमें नहीं चाहिए हम खुद की बनाएंगे अच्छा फिर मॉम अंदर गई की, किचन में तो ये जो होता है ना कि आप जब उनका नए जगह पे जा रहे हो ना तो आप पहले उनका कल्चरल को रिस्पेक्ट करना चालू करो आप उनके कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करोगे आप डह जाके बोलोगे कि मैं आया हूँ कुछ करने के लिए तेरे लाइफ में तो बोलेगा भाई जरूरत नहीं है हाँ क्योंकि आपने एटीट्यूड दिखा दिया तो उनके पास अपने से ज्यादा एटीट्यूड है क्योंकि उनके पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं ठीक है तो हम पहले तो कल्चर एक्सचेंज करते, करते, फिर दुख साझा मैं भी नीचे से ऊपर आया हूँ आप लोग कैसे हो क्या चल रहा है लाइफ में फिर वहां से अच्छे कौन बुरे कौन वो छानना चालू करते हाँ क्योंकि डेफिनेटली लेके चीजें कर सकेंगे अच्छी तरीके से क्योंकि देखो हर विलेज में आपको अच्छा और बुरा सब कुछ मिलेगा प्रॉब्लम क्रिएटर्स आएंगे हाँ। तो करेंगे आप अच्छा काम करते हो तो हाँ, जरूरी नहीं कि सारे लोग ही सपोर्ट करने वाले हाँ, कोई ना कोई होगा जो आपके अपोज मैंने ऐसे भी सीनारियो हुआ है जहां पे विलेज में खड़े हैं दो ग्रुप में झगड़े हो रहे हैं

उस विलेज का पुलिसिंग करता है लेकिन वो ऑफिशियल पुलिसिंग नहीं होता है लेकिन होता है ना विलेज का वो एक सम्मानित व्यक्ति जिसको सब सुनते हैं हाँ, फिर भले झगड़ा हो किसी के बीच में तो वो पुलिस पार्टी मेरा फैन थे अच्छा। तो उन्होंने बोला सचिन सर आप डरो मत हम है आपके साथ दूसरे दिन वो सामने से सा आके माफी मांग के, के। गए और मैं भी स्टंट रह गया मतलब अरे बापरे ये क्या हो गया लेकिन हाँ, एक चीज समय में आ गया कि जब आप अच्छा करते हो ना तो भले से भला प्रॉब्लम भी आपको कहीं ना रोक पाएगा सच में नहीं रोक पाएगा बहुत सारे इंसिडेंट है तो जैसे आप बोलोगे तो मैं बताते जाऊंगा पिक्चर चल रही है मेरे दिमाग में जो नेटफ्लिक्स पे ऐसी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और ये सब आती है ना मेरे दिमाग में वैसा सही चल रहा है सीनारियो पूरा मेरे को बहुत मजा आ रहा है ओके तो कोई और क्रेजी एक्सपीरियंस और कुछ ऐसा सा आप बताओ जो आपको याद आ देखिए अभी इतना काम कर लिया कि हमारे अब भी हम, हम सिर्फ ब्लेसिंग गिन रहे हैं और इतने ब्लेसिंग्स गिन गिन के ऐसा हो गया है कि टचवुड आज तक कोई ऐसा बड़ा हादसा या बड़ी डिफिकल्टीज हमें फेस नहीं करनी पड़ी बिकॉज हमारे साथ एक एक शक्ति चलती है बोलो ब्लेसिंग चलती है बोलो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स छोटे छोटे इंसिडेंट्स मैं बताना चाहूँगा अभी रिसेंटली राजस्थान में हम ट्रैवल कर रहे थे और हाईवे पे हम रास्ता लेफ्ट लेना था और हम थोड़ा आगे चले गए हंड्रेड एक मीटर्स पे चले गए थे तो हाईवे पे ही वो बंदा गाड़ी रिवर्स ले रहा था और हम बहुत सारे ट्रक्स को ऐसे साइड में कर रहे थे लेकिन एक एम्बुलेंस बड़ी सी ट्रक के पीछे से वो साइड गई लेकिन उसको वहाँ से ज, राइट में जाने नहीं मिला तो वो लेफ्ट में आई कंप्लीटली एंड वहाँ पे हमारी गाड़ी पीछे आ रही थी और मैं गाड़ी में बैठा था और मैंने बोला ओ शिट मतलब मुझे ऐसा समय में आ गया कि अब ये गाड़ी हमारे गाड़ी पे पे टकराने वाली है पता नहीं क्या हुआ सडनली वो गाड़ी एग्जैक्टली सिर्फ छू के सिर्फ टायर हमारे टायर को फाड़ दिया उसने इतना वो स्मैश स्मैश करके चली गई लेकिन गाड़ी में बैठे वाले इंसान को किसी को भी कुछ नहीं हुआ गाड़ी का सिर्फ थोड़ा सा जो एक डेंट आया था और एक दो दो तीन जगह कलर चला गया था बाकी कुछ नहीं हुआ लेकिन मैं जितना वो कैलकुलेट कर रहा हूँ आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसी शक्ति वहाँ पे थी जिसने वो लिटरली गाड़ी को मोड़ दिया नहीं तो वो वो गाड़ी सीधा सीधा हमारी गाड़ी पे बैंक कर सकती थी और वहाँ पे कुछ भी हो सकता था और ऐसे एक नई अनगिनत सिचुएशन है जहाँ पे हमें लगा खत्म मतलब नाव यहाँ से आगे कुछ नहीं और नए रास्ते खुले नई चीज़ें खुले तो मेरी मॉम की एक लाइन है और जो हमेशा मैं ये करता हूँ कि जब भी इश्यूज हो लाइफ में या डिफ़िकल्टी हो या ऐसे सिचुएशन आए जहाँ पे चैलेंजेस हो तो आप कुछ मत करो उस चैलेंजेस का कंट्रोल अपने हाथ में लो उसके ऊपर सवार हो जाओ और उसको इतना स्पीड में ले जाओ कि आपका सक्सेस भी दस गुना स्पीड में चले और वो सारे अभी जो इंसिडेंट्स हमारे साथ हुए हैं वो हम अभी एक्सपीरियंस और ब्लेसिंग के हिसाब से आगे बढ़ रहे नहीं nice. जो इंसान पूरे इंडिया को इंस्पिरेशन दे रहा है उनकी इंस्पिरेशन सोर्स उनकी मम्मा है राइट यस एंड मैं बोलूंगा ही यस आई एम द दमाज बॉय सेम मै भी बहुत बहुत ज्यादा बड़ा और जो होते हैं ना ममाज बॉय उनका एक बेनिफिट ये होता है कि ममाज बॉय बिकॉज मॉम के जितने भी गुण हैं उस बच्चे में आ जाते हैं तो वो खुद एक मातृत्व जैसे लोगों के पास जाते हैं तो अपने अंदर भी एक मातृत्व आता है डोमिनेटिंग तब हम हम लोगों हाँ। की करते। जब हम लोगों की की केयर केयर ज़्यादा ज़्यादा करते करते हैं। हैं, एंड जब करना चालू तब हमारे हाथ से ऐसी कुछ चीज़ें घट जाती है बड़ी लेवल पे और मिराकल्स क्रिएट होते हमारे ड्राइविंग फोर्स आई बिलीव दू मैं हर बिजनेस से ना एक टाइम के बाद जब मुनाफा आने लगता है मैं हो जाता हूँ कि हाँ यार ठीक है ये हो गया अब नेक्स्ट क्या नेक्स्ट इतना दिस इज अ थिंग जो आज तक प्रॉफिटेबल नहीं हुई बट आज तक करने में मज़ा आ रहा है और इसको मैं लॉन्ग टर्म तक करना चाहूंगा और कंसर होता हूँ एंड दैट एनर्जी यू हैव टू कीप इट बिकॉज एक बार ये एनर्जी uh, एक बार पैसा चला जाए आपका चलेगा टचव ना जाए ओके बट वो नहीं आए तो भी ना आपको फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ में लेकिन जब आप लोग, लोग आपको जानेंगे लोग आपके काम के बारे में इंस्पिरेशन लेंगे ना वो आपके लाइफ में अलग ही है नशा मतलब मैं तो सारे यूथ को बोलना चाहूंगा कि आप बाकी सारे नशा करते ना छोड़ दो लोगों को मदद करने का नशा पालो आपके लाइफ में सारी चीजें ऐसे प्लेस पे आ जाएगी कि आपको मांगना ही नहीं पड़ेगा बिलीव ट्रू आज मुझे ना सेलिब्रिटीनेस मांगना पड़ता है मुझे आज बहुत सारे लोग बुला बुला के रिस्पेक्ट देते हैं अवार्ड्स पहले पेड अवार्ड्स के लिए जाना पड़ता था आज पेड अवार्ड हम ऐसा बोलते नहीं चाहिए सॉरी सॉरी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बोला हैं, नहीं 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 करना बहुत चुनिंदा जो रियल वर्जन जो फॉर्म भर के प्रोसेसेस जाके एंड में जब आपको एक सिर्फ फीस भरनी होती है सिर्फ एंट्री फी बस उतना करके जो अवार्ड्स रिकोगनाइज करता है हमारे काम को बस वहीं पे हम आज प्रेजेंट होते हैं ऐसा और ब्लेसिंग्स तो नाइस nice. स्पीचलेस ही कर दिया आपने बहुत बहुत मजा आया मेरे को इस पॉडकास्ट में पीपल कॉन आई लव यू बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे sure. आ, बहुत सारे लोग जो एक्टिवली नहीं जुड़ सकते वो किसी ना किसी तरीके से मदद करना चाहेंगे तो कैसे आपसे कनेक्ट करें क्या वे है आप बता दीजिए सिंपल uh, है हमारी वेबसाइट है डब्लू डब्ल्यू डॉट ग्रीन इंडिया इनिशियटिव प्राइवेट लिमिटेड का जी आई आई पी एल डॉट इन हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन हाँ सो so, uh, हमारी वेबसाइट पे जाइए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन uh, सेक्टर है किसी को हमारे साथ काम करना है तो वहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए uh, किसी के साथ किसी को हम, 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 हम हमारे साथ प्रोजेक्ट करने जैसे mm -hmm. कॉर्पोरेट है उनको प्रोजेक्ट करने तो वो भी वहाँ पे रजिस्टर कर, कर सकता है किसी को इंटर्नशिप करना है वो भी रजिस्टर कर सकता है ओके तो प्रोडक्ट अगर किसी को स्मॉल स्मॉल प्रोडक्ट भी बाई करने मोस्टली हम रिटेल में नहीं है क्योंकि हम टेन विलेजेस ट्वेंटी स्कूल्स एट्टी स्कूल्स थर्टी स्कूल्स ऐसे बल्क में काम करते हैं क्योंकि क्या होता है कि सोशलशिप कैसे चलता है मैं अभी बताता आप पे क्वांटिटी ज्यादा हो तो आप क्या होते हो वो वही प्रोजेक्ट जो ज्यादा कॉस्ट में हो सकता है वो कम कॉस्ट में कर लेते हो इसके लिए तो वो वहां से जुड़ सकते हैं इवन मेरी खुद की वेबसाइट है द सोलर मैन ऑफ इंडिया डॉट कॉम वहां पे आप विजिट कर सकते हो इंस्टाग्राम पेज है द सोलार मैन ऑफ इंडिया वहां पे आप जा सकते हो लिंक से कनेक्ट कर सकते यही मिल मिल रहता है कि हाउस कैसे आपका बहुत ज्यादा मीडिया हाउस घिरे रहते हो तो मेरे को फीडबैक चाहिए क्योंकि हम भी ग्रो कर रहे हैं ठीक है निगेटिव तो नहीं है स्टूडियो में आके तुमसे मिलकर और तुम्हारी टीम से मिलके आई वॉज मैं बोला चलो राइट right डिसीजन था टू मीट समबडी हु इज खुद एक पावर पैक इंजिन है जी। ताकि तुम्हें देख के हम भी अपनी स्टोरी ज़्यादा बोल सकेंगे एंड द बेस्ट पार्ट है कि तुम्हारा इंथ्यूजम नॉट ओनली दैट तुम्हारे अंदर खुद एक सोशल अंतरप्रनियो छुपा हुआ है एंड उसी जरिए तुम बहुत सारे ऐसे हमारे जैसे लोगों को मैग्नेट की तरह पुल करो टचवुड कि तुम बहुत बड़े हो जाओ